गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ फॉर क्लास 9 एंड वी हैव बुक्स पोएम रेन ऑन द रूफ। एंड इन दिस पोएम द पोएट कोट्स कीनी जस्ट एक्सप्रेस द एक्सपीरियंस ऑफ रेन एंड व्हेन ही यूज्ड टू फील द रेन ही यूज्ड टू जस्ट रिमेम्बर हिज मॉम। हम लोगों के मन में भी ऐसे ख्याल आता है जब बारिश गिरता है, या तो प्रीवियस कोई इंसिडेंट के बारे में हम लोग याद करते रहते हैं, या तो कोई फ्यूचर प्लानिंग, ठीक है, या तो हम लोग सैड फील करते हैं या तो हैप्पी, ठीक है। तो पोएट ने भी ऐसे फील किया था, बारिश का जो आवाज़ जिसको पैटर बोला गया, ठीक है, उस साउंड के थ्रू उनके मन में क्या क्या ख्याल आया था इस पोएम के थ्रू हम लोग देखेंगे, ठीक है। सो लेट्स बिगिन द फर्स्ट स्टेंज। व्हेन द ह्यूमिड शैडोज होवर ओवर ऑल द स्टेरी फियर्स, जब ह्यूमिड शैडोज मीन्स हेयर द क्लाउड रेफर्स टू ह्यूमिड शैडोज। ह्यूमिड मीन्स वी नो दैट मॉइस्चराइज, तो मॉइस्चराइजिंग शैडो मीन्स दैट फुल ऑफ वाटर शैडोज मीन्स इधर बादल को बोला गया, ठीक है। होवर मीन्स मूव जब घूमते रहते हैं, कहाँ, ओवर द ऑल द स्टेरी फियर्स। स्टेरी फियर मीन्स स्काई, आसमान, जब आसमान के ऊपर जब बादल घूमते फिरते हैं और क्या करते हैं उस टाइम, द मेलांकोली डार्कनेस, मेलांकोली मीन्स सैड, डार्कनेस मीन्स अंधेरा, जो सैड अंधेरा छा जाता है चारों तरफ, ठीक है, और उस टाइम वो क्या करते हैं, उस अंधेरे रो देते हैं, उस बादल उस अंधेरे में क्या करते हैं, रो देते हैं, जेंटली वीप्स, वीप्स मीन्स रोना, और उसका रिजल्ट क्या आता है, टीयर्स, आंसू कैसे निकलता है ना, आंसू बारिश हो के गिरता है, ठीक है। तो हेयर दैट रेनी टीयर्स मीन्स द ओनली रेन ड्रॉप्स। तो जब आसमान में जब शैडो, कैसे शैडो ना, ह्यूमिड शैडोज मीन्स बादल जब घूमते फिरते हैं और अंधेरा छा जाता है, तब उस अंधेरे में क्या करते हैं, उस अंधेरे में बादल रो देते हैं, और रोने से क्या आता है, बारिश आता है। उस टाइम क्या आता है पोएट के मन में और हम लोगों के मन में भी, व्हाट ए ब्लिस टू एक्सप्रेस द पिलो, कैसे ब्लिस मीन्स हेयर हैप्पीनेस, कैसे आनंद आता है हम लोग के मन में जब हम लोग क्या करते हैं ना, उस टाइम पीलो को प्रेस करते हैं, और किसके अंदर ना, ऑफ ए कॉटेज चेंबर बेड एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवर हेड। हम लोग के ऊपर छत में जब बारिश गिरता है उसका जो आवाज़ जस्ट यू हैव हर्ड आई थिंक ऑल्सो, तो उसमें जो बारिश का आवाज़ हम लोग के मन में क्या लाता है, बहुत हैप्पीनेस लाता है। किसी के मन में तो सैडनेस लाया होगा बारिश के टाइम, कुछ उनका सारे यादें, बहुत सारे यादें आ जाता है, ठीक है। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड व्हाट एवर आई एम टेलिंग। तो उसमें पोएट के मन में उस टाइम हैप्पीनेस आया था, ठीक है, बाद में वो सैड में ट्रांसफ़र कैसे हो गया हम लोग एक्सप्रेस करेंगे। तो उस आवाज़ से क्या आता है, उस मेलंकोली डार्कनेस जब बारिश लाता है, उसमें जब तुम पिलो प्रेस करते हो एक छोटा सा घर में, इधर पोएट के बारे में बताया जा रहा है, जब पोएट ने ऐसे करते हैं, ठीक है, हैप्पी फील करते हैं, और क्या करते हैं ना, जब सुनते रहते हैं किसका आवाज़, द रिपटिंग साउंड ऑफ ड्रॉपिंग वाटर रेन ड्रॉप्स, और इट्स सॉफ्ट, जब धीरे से, बहुत तेज नहीं, जब धीरे धीरे जब बारिश गिरता है उसका जो आवाज़, जो पोएट के मन में जब सोते रहते हैं, पोएट ने अपना छोटा सा कॉटेज में जब पिलो प्रेस करते हैं, इट्स ब्रिंग सो मच हैप्पीनेस, ठीक है। नेक्स्ट, एवरी ट्विंकल ऑन द सिंगल्स हैज़ एन इको इन द हार्ट। हर बूंदे, इधर मीन्स ट्विंकल मीन्स द एवरी रेन ड्रॉप्स, ठीक है, तो हर
जो छोटा छोटा बूंदे बारिश का किसके ऊपर, सिंगल्स के ऊपर, सिंगल्स मींस छातों के ऊपर जो टाइल्स लगा रहता है, जैसे इधर कॉटेज मींस द वुडन कॉटेज हेयर रिफर्स, तो पोएट ने जब लकड़ी के घर से बना हुआ जब छात में जब उस लकड़ी के ऊपर जो छोटा छोटा जो लकड़ी का जो टाइल्स होता है उसके ऊपर जब बारिश गिरता है, हर बूंदों ने क्या करते हैं ना साउंड्स लाता है, जो पैटर साउंड हैज़ एन इको इन द हार्ट, पोएट के दिल में, पोएट के मन में एक इको साउंड लाता है, इको मीन्स द रिपीटेड साउंड लाता है, एंड अ थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज इन टू बिजी बींग स्टार्ट। उस टाइम क्या आता है ना, बहुत सारा हजारों यादें हजारों सपने पोएट के मन में भीड़ जमाते हैं, ठीक है। और बीइंग मींस हेयर ह्यूमन बींग्स, हर कोई भी मनुष्य के मन में, ठीक है, सिर्फ पोएट नहीं है, कोई भी मनुष्य के मन में सपने आना शुरू कर देते हैं, सोच आना शुरू कर देते हैं, ठीक है, वो लोग अपना सपने का जाल बुनना शुरू कर देते हैं, एंड आ थाउजेंड्स रिकलेक्शंस वेव देयर ईयर थ्रेड्स इनटू वूव। तो थाउजेंड्स ऑफ रिकलेक्शन मीन्स द प्रीवियस रिमेम्बरिंग्स, पुराना सोच पुराना यादें उनके मन में क्या करते हैं ना जाल बुनना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो सपने बुनते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं ना सपने बुन रहे हैं, तो सपने बुनना शुरू कर देते हैं। एयर थ्रेड मीन्स इधर हवा का बुनना, हवा का बुनना मीन्स हेयर मीन्स थोड़ा सा एक्सप्रेस किया गया है एयर थ्रेड्स के थ्रू, कैसे ना सपने बुनना इनटू द ऊप। तो जैसे हम लोग कपड़े बुनते हैं, एक लूम होता है, ठीक है, तो उस लूम धागे से लूम बुनते हैं, ठीक है, उसमें से कपड़ा बनता है, ठीक है, उलन कपड़ा हम लोग जब बनाते हैं, एक लूम बनाते हैं ना, तो ऐसे ही सपने अपना लूम बनाते हुए धीरे धीरे सपने आगे बढ़ता है और बहुत बड़ा रूप लेते हैं, बहुत बड़ा सपना बनता है, ठीक है। तो इधर सपने बुनने को एक्सप्रेस करने के लिए पोएट ने इधर हाइपरबोलिकली ये सब वर्ड यूज़ किया है, ठीक है। हाइपरबोल क्या होता है ना, कोई भी चीज़ों को जब बड़ा चढ़ा के उसमें रंग और भी डाल के उसको अतिरंजित करके श्रुति मधुर होने के लिए, ठीक है, जब यूज करते हैं उसको क्या बोला जाता है ना, हाइपरबोल, ठीक है। एंड आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपन द रूफ, और हम सुनते रहते हैं क्या ना उस साउंड को, उस रिपीटेड साउंड को, उस ऑफ द रेन बारिश का अपन द रूफ जब छत के ऊपर गिरता है। नेक्स्ट, नाउ इन माय मेमोरी कम्स माय मदर, जब ऐसे यादों में जब बारिश गिर रहे हैं, ठीक है, वो घर पे अकेला लेटे हुए हैं, उनके मन में सबसे ज़्यादा याद जिसका आ रहा है वो किसका, उनका मदर मम्मी का। एज सी यूज टू इन द अर्थ एगोन, जब पहले वो हुआ करती थी, मतलब अभी नहीं है, उनके मम्मी इस दुनिया में नहीं है, तो उनको याद करते हुए वो अभी सपने बुन रहे हैं। टू रिगर्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स एरा सी लेफ्ट देम टिल द डॉन, और मम्मी ने क्या करते हैं थी ना, सबको रक्षा करती थी, रिगर्ड्स टू सेव, जो जो सब सपने बुनने वाले हैं, जो अपना प्यारे लोग हैं, क्या करते हैं मम्मी पापा ने, जो अपना बेटा बेटी का सपना को सच कराने के लिए, जो लोग ड्रीमर्स होता है उसको सही करने के लिए अपना जी जान लगा देते हैं, तो ऐसे ही वो जो सपने, मेरा सपने को सच करने के लिए हमको प्यार, उनका जो प्यार, उनका जो जो भी स्नेह करती थी, जितना रिगार्ड करती थी उनके बेटे मीन्स पोएट को, वो सब याद आ रहा है, मम्मी हमको कितना प्यार करती थी, ठीक है, इस बारिश में हमको पकड़ देती थी, ठीक है, जो भी है, जस्ट आई एम किडिंग, डोंट टेक इट सीरियस। तो जो भी है मम्मी का जो याद है,
ठीक है, इधर उनके मन में ताज़ा होने लगा। एंड एरा सी लेफ्ट देम टिल द डॉन, जो भी एरा उन्होंने छोड़ के गया है, जो भी पास्ट मेमोरी उनके उन्होंने छोड़ के गए हैं, ठीक है, सुबह से लेकर शाम तक उनका जो भी काम, ठीक है, डॉन मीन्स द अर्ली मॉर्निंग द सन राइजिंग टाइम, तो वो सब पोइट के मन में ताज़ा होने लगा। ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, हम फील कर रहे हैं उनका जो प्यारा लुक, उनका जो प्यार मेरे ऊपर जो था, फॉन्ड दयालु, फॉन्ड मीन्स दयालु, प्यारी, ठीक है, तो जो भी उन देखभाल, जो प्यारी देखभाल, उनका जो प्यार, इधर प्यारी देखभाल मीन्स जो प्यार मेरे ऊपर था, वो सब अभी भी हम फील कर रहे हैं। एंड आई लीज टू दर दिस रिफ्रेन, और इसमें इस बारिश में उनको हम तरताजा होते हुए देख रहे हैं, उनका प्यार मेरे ऊपर अभी भी है, आई कैन फील दैट। व्हिच इज प्लेड अपॉन द सिंगल्स, उस मेरा जो मम्मी का प्यार जो भी उस बारिश के साथ साथ वो भी खेल रहा है, वो भी जैसे साउंड्स आ रहा है, बारिश गिर रहा है, जैसे मेरा मम्मी का प्यार भी ऐसे ही लाइक सेम इन दिस चेन इज ऑल्सो गोइंग ऑन, उस बारिश के साथ साथ हम मेरा पुराने ताजे पुराने जो याद है उसको ताजे कर पा रहे हैं, ठीक है। By the patter of the rain, इस बारिश के आवाज़ के साथ एक ही चीज़, सेम थिंग आई हैव टोल्ड ऑल्सो प्रीवियसली, जो मम्मी का प्यार, मम्मी का यादें अभी भी मेरे मन में आ रहा है इस बारिश के आवाज़ के साथ साथ, ठीक है। तो इधर पोएट ने बोले हैं, जैसे डिड यू एवर हेयर दैट दैट साउंड, द पैटर साउंड ऑफ रेन्स, तुम लोग तो कभी सुने होंगे, ठीक है, कोई कोई नहीं सुनते हो, उसमें बारिश होता है तो अपना दूसरा काम में बिजी हो जाते हो, लेकिन द नेचुरल साउंड्स इफ़ यू हैव एक्सपीरियंस, और इफ़ यू हैव नॉट एक्सपीरियंस जस्ट एक्सपीरियंस इट, इट कैन मेक यू जस्ट यू कैन ब्रिंग यू इन अनदर वर्ल्ड, ठीक है। तो सिर्फ हम लोग के मन में क्या आता है, बस बारिश हो रहा है चलो फुटबॉल खेलते, या तो पकौड़ी खाते हैं, या तो गॉसिपिंग या लूडो खेलने बैठ जाते हैं, लेकिन कभी तुम उस आवाज़ को करीब से सुनोगे तो क्या होगा, तुम्हारे अंदर एक सोच आएगा, यादें तरताज़ा हो जाएगा, दैट जस्ट यूज टू कम इन द पोएट्स माइंड, यू कैन ऑल्सो बी अ पोएट। ओके, सो thank you, have a nice day, and if you have any confusion about this you can call me or you can comment